पांच मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस पांच मिनट के मदरसे में। हमारी रमजान स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग कुरान मजीद से मुतालिक कुछ बातें देख रहे हैं। आज भी इंशाल्लाह हम लोग कुछ बातें देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक्वम, बेशक ये कुरान मजीद हिदायत करता है उस राह की जो सबसे ज्यादा सीधी है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की एक आजमत को, उसके शर्फ को, उसकी बुलंद शान को बयान फरमाया कि ये वो किताब है जो तमाम उमूर में, चाहे अकाइद से ताल्लुक रखने वाले हो, चाहे आमाल से, आदाब से, अखलाकियात से, सियासियात से और तिजारत से, तमाम उमूर में, इसके अलावा दीगर जितने उमूर है उन तमाम में सीधी और मुफीद राह दिखाने वाला है। कुरान मजीद सिर्फ और सिर्फ खैर व भलाई की दावत देता है। हाँ, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को इतना बुलंद मकाम अता किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये इल्हामी किताब है, ये अल्लाह का कलाम है जो इंसान की रहनुमाई करता है सीधी राह की तरफ। ज़रूरत ऐसे लोगों की है जो इस पर ईमान लाने वाले हों, इसको पढ़ने वाले हो, इसकी सीधी राह को इख्तियार करने वाले हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, देखिए आप कुरान मजीद कितनी शानदार किताब है, उसके बावजूद लोगों को पढ़ने से हिदायत नहीं मिलती। हाँ, उनको सीधी राह की तलब नहीं होती है, उनको सीधी राह नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो उसके तालिब ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं कि सीधी राह उनको मिल जाए, वो उसको पसंद ही नहीं करते। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अपनी राह दिखाता नहीं है। लिहाजा कुरान मजीद ये सीधी राह दिखाने वाला है हर मामले में। हर मामले में हमें चाहिए कि हम उसको पढ़ें और अपनी राह जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई है उसको हासिल करें। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है हदीस। हदीस में आई है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत पढ़ लेते हैं। फरमाते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिनल अंबिया नबी इल्ला उतिया मा मिसलहु आमना अलैहि अलबशर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी को ऐसे ऐसे मुअजजात अता किए गए कि उनको देख करके लोग ईमान लाए। यानी हर नबी को कोई ना कोई मुअजजा अल्लाह ताला ने ऐसा दिया कि जिसको देख करके लोगों ने ईमान लाया, लेकिन बाद के जमाने वालों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। नबी के जमाने के जो लोग थे वो तो ईमान ला लिए, लेकिन उसके बाद के जमाने वालों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जो मुअजजा दिया गया है वो वही है, वो वही है जो अल्लाह ताला ने मुझ पर नाजिल की है और उसका असर कयामत तक बाकी रहेगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि कयामत के दिन मेरे ताबेदार लोग दूसरे पैगंबरों के उम्मतियों के मुकाबले में ज्यादा होंगे। आप देखिए कितनी प्यारी बात प्यारे नबी ने इस हदीस में कही है। कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यह कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक लाजवाल मुअजजा है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं, ता कयामत तक इसका मुअजजा बाकी रहेगा। अंबिया इकराम के मुअजजे महदूद थे, वो ख़त्म हो जाते थे, उसके बाद जो है उनके बाद वालों पर उसका कोई असर नहीं होता था, लेकिन ये कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि कयामत तक आने वाले लोगों पर उसका असर रहेगा। आप देखिए हर नबी को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई मुअजजा दिया, और वो भी मुअजजा ऐसा दिया जिनका उनके दौर में चर्चा था, जिनको उनके दौर में माना जाता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू का चर्चा था। आप देखो जहां चाहे वहां जादू चल रहा है, लोग जगह जगह जादू कर रहे हैं, हर घर में जादूगर पैदा हो रहा है। हाँ, इसीलिए ना फिरौन जो है तमाम लोगों को उसने बुलाया था हजरत मूसा से मुकाबले के लिए। लिहाजा हर घर में जादू था, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को भी ऐसा ही मुअज्जा दिया कि हजरत मूसा ने जब अपना मुअज्जा जाहिर किया तो वो सारे के सारे जादूगर हैरान और शशदर रह गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुअज्जे को देख करके। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तिब का रिवाज था। हाँ, वहां पर अतिब्बा थे, डॉक्टर्स थे बहुत सारे, और डॉक्टर्स का वो जमाना था। लिहाजा अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उसी जैसा मुअज्जा दिया, हाँ, कि वो मादरजाद अंधे को जो है दुरुस्त कर देते थे। इसी तरह से वो जो है जिनको कोढ़ की बीमारी थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनको ठीक कर देते थे। लिहाजा तरह तरह की चीजें और तरह तरह के मुअज्जात जो तिब से ताल्लुक रखने वाले थे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दिए। और जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया तो ये दौर फसाहत व बलागत का दौर था, ये शेर व शायरी का दौर था जिसमें ज़बान उरूज पर थी। लिहाजा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की शक्ल में एक ऐसा अजीम शान मुअज्जा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया जिसकी फसाहत व बलागत को देख करके उस दौर के बड़े बड़े जो फसहा व बलागा थे वो हैरान हो गए, वो परेशान हो गए, वो कहने पर मजबूर हो गए कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता।
وہ ایک صورت کیا ایک آیت وہ پیش نہ کر سکے اس جیسی کوئی مثال وہ بیان نہ کر سکے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ایسا شاندار ایسا بے مثال معجزہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی شکل میں عطا کیا ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جیسی کتاب مجھے اور آپ کو عطا کی ہے کہ ہم اس کو پڑھے، ہاں ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں۔ دیکھیے وہ معجزے جو انبیاء اکرام کو دیے گئے تھے وہ ان کے امتیوں کے پاس نہیں تھے، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے وہ معجزہ ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کی قدر و منزلت کو سمجھیں، اس کے شرف کو سمجھیں۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔